हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोगों को मैं दिखाऊंगा विंटर सीजन का एक बहुत शानदार फ्लावर आइस प्लांट। इसका सीड आप कैसे कलेक्ट करोगे? जैसे आप देख रहे हो, ये हमारे पास एक ऑरेंज कलर की है, मतलब पिंक एंड ऑरेंज है, इसमें दोनों कलर है एक साथ। यहाँ पे आप देख रहे हो वाइट कलर की है, और आगे देखो यहाँ पे है आपका येलो कलर, ये है येलो कलर। आप यहीं पे भी देख पा रहे हो, यहाँ पे है पिंक कलर की आइस प्लांट। ये एक बहुत ही शानदार फ्लावर है विंटर सीजन का, और इसका सीड से प्लांट बहुत आसानी से जर्मिनेट हो जाते हैं। अगर आपने इस आइस प्लांट की सीड एक बार कलेक्ट करना सीख गया, तो आपको कभी आइस प्लांट खरीदने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे आइस प्लांट की सीड कैसी बनता है, ये देखो, ये फ्लावर हो गया था। उसके बाद फ्लावर सूखने के बाद ये जो हुआ, ये है सीड पॉड है। ऐसे यहाँ पे भी एक बन गया, और यहीं पे भी एक बन रहा है, और यहाँ पे भी देखो बनने लगा। तो हम आज दिखाएंगे इस आइस प्लांट की सीड कैसे, कितना आसानी से आप कलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप जितने सारे आइस प्लांट की फ्लावर देख रहे हो, सभी से सीड बनेगी, और हम ये सारी फ्लावरों से सीड निकालेंगे, एंड ये सारे सीड नेक्स्ट सीजन के लिए हमारे पास रखेंगे। एंड एक्सेसिव जो एक्स्ट्रा सीड होगी, वो हमारी सारे फ्रेंड्स को भी गिफ्ट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आप देखते हैं ये सारे आइस प्लांट की सीड हम कैसे कलेक्ट करेंगे। जैसे देख रहे हो आप, आइस प्लांट बिल्कुल सूख गया, मतलब पौधे ख़त्म होने लग गया, मतलब ड्राई हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक छोटे आइस प्लांट बंद हो रहा है अभी भी। यहाँ पे भी देखो एक छोटा सा, मतलब जो है सीड पॉड है, ये अभी कच्चा सीड पॉड है। लेकिन यहाँ पे जितनी सारे देख रहे हो, ये सीड पॉड सारे रेडी हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको काट लेंगे। काट के मैंने एक प्लेट में रख दिया, तो आपको दिखाता हूँ अब यहाँ से सीड कैसे निकालेगा। जैसे ये देख लो ड्राई सीड पॉड है, तो आपको दिखाता हूँ सीड इसके अंदर से कैसे होता है। ये देखो इसके अंदर से सीड निकल रहा है, व्हाइट व्हाइट जो सीड देख लो, ये जो है ये है आइस प्लांट का सीड। ये देखो इसके अंदर से निकलता है छोटे छोटे दाने दाने आइस प्लांट का सीड। ये देखो कितनी सीड निकल गया इससे, एक सीड पॉट से देखो अब कितनी सीड निकल रहा। ये है आइस प्लांट का सीड। फाइनली इतना सारे आइस प्लांट का सीड पॉट मैंने प्लांट से कलेक्ट किया, और इससे मैंने सीड निकालूंगा। ये देखो मैं एक बार दिखा देती हूँ कितना सीड एक आइस प्लांट का सीड पॉट से निकल रहा है। ये देखो, दिख रहा है आप लोगों को, ये देखो कितना सारे सीड है, यहाँ से सीड है और कितनी सारे सीड निकल रहा है। ये देखो आइस प्लांट का सीड देखो कितना है। तो मैंने सारे सीड पॉट से सीड कलेक्ट करूंगा, और अगले साल के लिए इस सीड को मैं स्टोर करके रखूंगा। फाइनली हमने इतना सारे आइस प्लांट की सीड कलेक्ट किया, तो इसको हम अभी स्टोर करने के लिए ऐसे एक जीपर ले लिया, और इसको जीपर के अंदर मैं डाल देंगे। जीपर के अंदर डाल के इसको एयर टाइट कर देंगे, और एयर टाइट करके इसको ऐसे एक शीशे वाले कंटेनर में इसको डालना है, और डाल के इसको मुंह बंद कर देना है। तो ऐसे ही हम आइस प्लांट की सीड नेक्स्ट ईयर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं।